हमारे साथ मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग साहब जुड़ चुके हैं। सारंग साहब, क्या विपक्ष को साथ में लेकर कोरोना की इस लड़ाई को लड़ने की कोशिश नहीं की जा रही है क्या? मुझे आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही। सारंग साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे, तो सवाल ये जो लगातार विपक्ष उठा रहा है वो ये, क्या विपक्ष को साथ लेकर नहीं चल रहे हैं कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए? देखिए, इस महामारी में विपक्ष के नेताओं का जिस प्रकार का रवैया है, इससे गैर जिम्मेदाराना और दुर्भाग्यपूर्ण रवैया कुछ नहीं हो सकता। मैं केवल अभी की बात नहीं कर रहा, मैं पहले वेव की बात कर रहा हूँ। उस समय जब इस देश में मोदी जी ने इस संकट से निपटने के लिए सभी को आह्वान किया और देश की जनता की जान बचाने के लिए लॉकडाउन लगाया, तो यही विपक्ष के नेता लॉकडाउन का विरोध करते रहे। जब हमारे कोरोना वॉरियर्स के हाथों को उत्साहित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग कैंपेन चलाए, चाहे वो ताली बजाने का हो, थाली बजाने का हो, तो उसका मजाक उड़ाया। वो मोदी जी का मजाक नहीं था, वो हेल्थ वर्कर्स का और फ्रंटलाइन वॉरियर्स का मजाक उड़ाना था। जब इस पूरी लड़ाई को जीतने का काम हिंदुस्तान की सरकार ने किया, तो उसका भी मजाक उड़ाया गया। जब वैक्सीन बनाई गई, तो उसका भी मखौल उड़ाया गया। वैक्सीन लगाने के जो प्रोग्राम को मोदी जी ने शुरू किया, उसमें भी टंगड़ी अड़ाने का काम किया। मुझे ये कहते हुए कहीं संकोच नहीं होता कि पहले दो चरण के वैक्सीनेशन प्रोग्राम में जिस गैर जिम्मेदारी के बयान कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं के आए, उसके कारण बहुत सारे लोगों में अफवाह की स्थिति बनी, कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ जी। और उसके बाद लगातार जब इस देश में कोरोना का संकट आया, तो एक भी विपक्ष के नेता ने कोई सलाह नहीं दी, केवल और केवल गलती निकाली। लेकिन और सारंग साहब, अभी हमारे साथ सापरा साहब जुड़े हुए थे, हमारे साथ अभिषेक दत्त जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। वो तो लगातार बता रहे हैं कि देखिए, अगर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पत्र लिखते हैं तो उनका मजाक उड़ाया जाता है, राहुल गांधी अगर कोई सुझाव देते हैं तो उनका मजाक उड़ाया जाता है। वो तो कांग्रेस के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि साहब, हम तो पिछले 1.5 साल से एक के बाद एक सुझाव दिए जा रहे हैं, हमारी बात सुने कौन? क्या क्या राहुल गांधी ने क्या सुझाव दिए, आप बताइए, राहुल गांधी ने क्या सुझाव दिया? आप डॉक्यूमेंट्री है कि ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि इस राहुल गांधी ने कहा था कि आप गलत ढंग से काम कर रहे हैं, और पूरी दुनिया ने माना था कि मोदी जी ने बहुत अच्छे से इसको डील किया है। वैक्सीन की जब बात आई, तो ये मजाक उड़ाया गया कि ये वैक्सीन गलत है। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि ये भाजपा की वैक्सीन है, मोदी की वैक्सीन है, इसको हम नहीं लगवाएंगे। और आज वही कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि वैक्सीन सबके लिए फ्री कर दी जाए। मोदी जी ने जब वैक्सीन बनाई, मोदी जी के माध्यम से इस देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई।